Assalamualaikum students, topic lesson number 3. Today we will do comprehension of lesson number 3. The topic of lesson number 3 is Qaid, a Great Leader, class 9, subject English. This is book for class 9. Question number 1 is, students, you have to write down these question and answers on your neat copy. First of all, you have to make your title page, and after that you have to write question with black or blue marker, and then you have to write your answer with ink pen, and you have to draw your margin line at the end of your answer as you used to write in your neat copies. You have to do the same work now. Coming back to question number one is, describe the person who had come out of aeroplane at Maripur, Karachi. Describe, बयान करें the person, आदमी who had come out, जो पहले आया, of the aeroplane, जहाज से पहले जिसने कदम रखा at मारीपुर कराची. कराची मारीपुर एयरपोर्ट एरोप्लेन में जब एरोप्लेन लैंड किया तो जहाज से सबसे पहले बाहर कदम रखने वाले शख्स के बारे में बयान करें. अब the person who had come out of aeroplane at मारीपुर कराची was a tall man. A person, वो आदमी जो कि मारीपुर एरोप्लेन में सबसे पहले बाहर आया, was a tall man, कदावर आदमी था. He looked an honorable man who was dressed in a white शेरवानी. He looked, वो नज़र आ रहा था, दिखाई दे रहा था, an honorable, मुअज़्ज़ज़ आदमी, who was dressed, जो कि पहने हुए था, in a white शेरवानी, जिसने सफ़ेद शेरवानी पहनी हुई थी. The person was actually Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. वो आदमी दरअसल Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah थे, the founder of Pakistan, पाकिस्तान के बानी थे. This was your question number 1. Now coming to question number 2. Why did the crowd roar in one voice, Pakistan Zindabad? तमाम हजूम roar, ऊंची आवाज़ में नारा लगाना, in one voice, एक आवाज़ में यक ज़बान होकर नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद. हजूम ने यक ज़बान होकर ऊंची आवाज़ में क्यों नारा लगाया? द क्राउड रोड इन वन वॉइस, पाकिस्तान जिंदाबाद. सो यू कैन सी दैट डिड इज़ यूज्ड इन योर क्वेश्चन, एंड वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आफ्टर that we will use second form of verb in answer. We will not use did, and instead of did we will use second form of verb. The crowd roared in one voice, Pakistan Zindabad, because they found their great leader among them. The crowd roared, हजूम ने नारा लगाया in one voice, एक आवाज़ में, पाकिस्तान जिंदाबाद, because क्योंकि they found their great leader, क्योंकि they found उनके दरमियान था, उन्होंने पाया their great leader, उनका अजीम leader among them, उनके दरमियान, उस उन्होंने अपने अजीम leader को अपने दरमियान मौजूद पाया. The leader was Qaid Azam, leader Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah थे, who was the founder and first governor general of their newborn country. Leader Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah थे, who was the founder बानी थे, and first governor general और पहले governor general थे उनके newborn country, उनके नौजायदा या नए बनने वाले मुल्क के वो नए गवर्नर जनरल थे. ही हैड वोन पाकिस्तान फॉर देम, जिन्होंने पाकिस्तान उनके लिए हासिल किया, वेयर दे कुड लिव फ्रीली, जहां वो आज़ादी के साथ रह सकते थे, एंड पीसफुली और अमन के साथ, जहां वो आज़ादी और अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकते थे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैड पीपल बिकम होमलेस, लोग क्यों बेघर हुए, होमलेस, बेघर होना. व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड इन टू कंट्रीज, जब इंडिया को दो हिस्सों में, दो मुल्कों में तकसीम किया गया, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इंडिया को तकसीम किया गया, द पीपल शिफ्टेड टू द कंट्री वेयर दे वांटेड टू लिव. द पीपल शिफ्टेड, लोगों ने नकल की, लोग गए
द कंट्री, उस मुल्क वेयर दे वॉन्टेड टू लिव, उस मुल्क रवाना हुए जहाँ पे वो रहना चाहते थे. द मुस्लिम्स लेफ्ट हिंदुस्तान, मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया. एंड केम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान आ गए. वाइल जबकि द हिंदूज लेफ्ट पाकिस्तान, हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ दिया. एंड वेंट टू हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान चले गए. दस द पीपल हु माइग्रेटेड, माइग्रेटेड नकल मकानी करना, हिजरत करना. द पीपल हु माइग्रेटेड टू देयर न्यू कंट्री, वो लोग जिन्होंने अपने नए मुल्क हिजरत की, वर होमलेस, वो बेघर थे. अपने नए मुल्कों की तरफ जाने वाले अफराद बेघर थे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड कायद आजम लुक सेटिस्फाइड. कायद आजम लुक्ड, अगेन देयर इज डिड with first form of verb in the question, and we will write the second form of verb in answer. Qaid-e-Azam looked satisfied because the major part of his work has been completed. Qaid-e-Azam mutmain nazar aa rahe the kyunki unke kaam ka beshtar hissa mukammal ho chuka tha. He had won Pakistan for the Muslims. Unhone musalmanon ke liye Pakistan hasil kar liya tha. Of the subcontinent, he had won Pakistan for the Muslims of the subcontinent. बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने पाकिस्तान हासिल कर लिया था. which was a great Muslim state, जो कि एक अजीम मुस्लिम या एक बड़ी मुस्लिम रियासत थी. and the fifth largest nation in the world, और दुनिया में पाँचवीं बड़ी कौम कहलाई, या सबसे पाँचवीं बड़ी कौम थी. now coming to question number 5, what did the Qaid tell the people about the equal rights. Qaid Azam ne logo ko barabri ke huqooq ke ya masaviyana huqooq ke bare mein kya kaha. The Qaid told the people that they were totally free in their own country irrespective of religion and caste. The Qaid told the people, Qaid ne logo se kaha that they were totally free, ke wo bahut wo azad the. इन देयर ओन कंट्री, वो अपने मुल्क में आज़ाद थे. इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, अपनी मज़हब और अपनी ज़ात की परवाह किए बगैर. देयर वॉज नो चेक ऑन देम, उनके ऊपर कोई चेक नहीं होगा, कोई नज़र नहीं रखी जाएगी. वेदर आया, दे वेंट टू टेम्पल्स, अगर वो मंदिरों को जाएं, और मॉस्क अगर, या वो मस्जिदों को जाएं, फॉर वर्शिप, अपनी इबादत के लिए. दे वर इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, वो एक मुल्क के बराबर के शहरी होंगे. मतलब ये हुआ कि गाइड टोल्ड द पीपल दैट दे वर टोटली फ्री इन देयर ओन, वो अपने मुल्क में आज़ाद हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब या किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हों. उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी अगर वो अपनी इबादत गाहों को जाएं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो. तमाम देवर इक्वल सिटीजन्स, वो शहरी हैं, इक्वल बराबर के शहरी हैं. ऑफ वन स्टेट, इस रियासत के वो बराबर के शहरी हैं. नाउ इट वाज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू एक्टिविटी, राइट कॉम्प्रिहेंशन 1, 2, 3, 4 and 5 on your English copy. Thank you, students.